Sagittarius, धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। मेरा नाम है नाज, आपका स्वागत है। अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर सेजिटेरियस में है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस ना बहुत फन लविंग पीपल होते हैं, इन्हें मजाक करना, हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है। मजाक या स्वभाव, लाइट हार्टेड एनर्जी, खुश रखते हैं ये अपने आसपास के लोगों को और खुद भी खुश रहना पसंद करते हैं। ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं चीजों को और इसी वजह से ये माफ भी जल्दी कर देते हैं लोगों को। लेकिन इनकी एक डीपर साइड भी है, इनकी पर्सनालिटी में ना एक डीपर साइड भी होती है। गंभीर बातें, बहुत नॉलेजेबल बातें, विजडम, वाइज, ऐसी भी बातों में इनका इनका इनकी दिलचस्पी बहुत होती है। और ये जब भी ऐसी कुछ बातें करते हैं ना तो ये अपने आसपास के लोगों को काफ़ी सरप्राइज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ये मजाक ही करते रहते हैं तो इनके आसपास के लोगों को ये नहीं पता होता कि ये शख्स जो इतना हंसी मजाक करता है ये इतना वाइज और इतनी गंभीर बातें भी कर सकता है। मुझे पसंद है सेजिटेरियस पर्सनली, एक अच्छा बैलेंस होता है इन लोगों में लीब्रा की तरह। ओके, लुक, वी हैव मैजिशियन। मैनिफेस्ट, व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट? आप ऐसा क्या है जो अगस्त के महीने में हासिल करना चाहते हैं? नया महीना है, आप क्या, आपके कुछ नए सपने भी होने चाहिए हर दिन के साथ, हर महीने के साथ, हर साल के साथ। यहाँ पर अगस्त का नया महीना है आपके लिए, तो कुछ क्या है ऐसा कि जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? आपके पास रिसोर्सेस, सभी रिसोर्सेस हैं। देखिए, इसके पास कप भी है, पेंटिकल भी है, सोर्ड भी है और वॉन्ड भी है, और इसके हाथ में कैंडल भी पकड़ी हुई है जो विजडम की बात करती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि सेजिटेरियस वाइज भी बहुत होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर शो नहीं करते अपनी विजडम को। लेकिन इन द मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी विजडम को, अपनी जो वाइज साइड है आपकी पर्सनालिटी की, इसको ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए अपनी पर्सनालिटी में। आप बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। वॉन्ड, एडवेंचर, ट्रैवल, अगर ऐसा कुछ है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो, सब कुछ कर सकते हैं आपके पास। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है और ये आपकी एनर्जी है अगस्त के महीने के लिए। अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप खुद से पूछिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और ये कार्ड इस बात का सबूत है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके पास सभी रिसोर्सेज हैं उस चीज को 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, मेडिटेशन, रेस्ट। आप में से कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोग ना विपासना मेडिटेशन, मुझे ये शब्द बहुत स्ट्रांगली सुन रहा है, आप में से कुछ लोग विपासना मेडिटेशन करना चाहते हैं बहुत दिनों से और या उसके बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड इसी बात के लिए मुझे संकेत दे रहा है कि अगस्त के महीने में आप विपासना मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मैसेज, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेडिटेशन इज सो पावरफुल गाइस, मेडिटेशन में बहुत शक्ति है, ध्यान लगाने में बहुत शक्ति है।
मैनिफेस्ट जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ ब्लेसिंग्स को या कुछ मिरेकल्स को, उसमें मेडिटेशन का बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं ना, तो वो बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है और आप कोई भी ब्लेसिंग को, आप कोई भी मिरेकल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगस्त के महीने में ना, आपको आपकी इंट्यूशन से, आपकी हायर सेल्फ से ना, बहुत सारे डाउनलोड्स भी मिलेंगे आपको। आपको लगेगा कि वाह, मुझे तो बहुत सारे आइडियाज एकदम से मिलने लगे हैं, मुझे आपको इतने आइडियाज मिलने लगेंगे ऑटोमेटिकली नेचर की तरफ से, हायर सेल्फ की तरफ से, कि आपके लिए थोड़ा सा उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आपको सर में दर्द होने होने लगे, उसके लिए आपको रेस्ट करनी चाहिए। आपको थोड़ा सा अपने शरीर को रेस्ट देना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप ये सब कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसे मत कीजिए, ये सब कीजिए, लेकिन अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को रेस्ट भी दीजिए। देखिए, ये शख्स रेस्ट कर रहा है, लेकिन इसके हाथ फिर भी जुड़े हुए हैं। ये अभी भी प्रे में है, उसी माइंड सेट में है, उस पॉजिटिव माइंड सेट में है, अभी भी ये अपनी डिवाइन के साथ कनेक्ट है। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। पर्सनली ये जो फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड है ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स टैरो में, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स पसंद है उनमें से एक कार्ड ये है, और मुझे सन कार्ड भी बहुत पसंद है। ये जो कार्ड है ना, इससे मुझे हमेशा एक ऐसी एनर्जी मिलती है कि मेरे पास जो भी है, जितना भी है, उसके लिए, उसमें मैं खुश हूँ। यू नो, आई एम ग्रेटफुल। ये शख्स कंप्लेन नहीं कर रहा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ही इज़ लाइक, आई एम हैप्पी, थैंक यू। और जब आप ऐसी एनर्जी में होते हो ना, जब आप ट्रूली अपनी दिल से आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो ना, तो आप ऐसी चीजें, ये जो है ना मैजिशियन, ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, इसको इसे तो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप ग्रेटफुल हो, जो आपके पास ऑलरेडी है ना, अगर आप उसके लिए शुक्रिया बोलते हो यूनिवर्स को, तो ये सब चीजें तो आपके पीछे पीछे चलती हैं, ये सब चीजें। इसलिए मुझे ये कार्ड बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस कार्ड की। लुक, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली पैसे के बारे में चिंतित हैं और आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगस्त के महीने में आप कर भी लेंगे, बस आपको थोड़ा सा अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, प्रेयर्स करनी पड़ेगी। अगर आप रिलीजियस नहीं है, तो आप एफर्मेशंस कर लीजिए। प्रेयर क्या होती है? एक अच्छी अच्छी अच्छे शब्दों का मिश्रण, आप उसे उसका उच्चारण करते हैं तो आपके माइंड को सुकून मिलता है। एफर्मेशंस भी वही है, पॉजिटिव शब्दों का मिश्रण। अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसका उसके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप रिलीजियस नहीं हैं तो आप एफर्मेशंस यूज़ कर लीजिए, अगर आप रिलीजियस हैं तो आप प्रेयर यूज़ कर लीजिए, अगर आप दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह। जितना जितना शहद डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। तो नाइन ऑफ पेंटिकल, फ्री, इंडिपेंडेंट एंड केपेबल, कुछ भी आप चाहें, ये जो शख्स यहाँ पर, ये जो औरत खड़ी है, ये चाहे कुछ भी हासिल कर सकती, क्योंकि ये केपेबल है उस चीज के, और वो उसके अंदर डर नहीं है किसी बात को लेकर। वो अपनी विजडम को, अपने अपने स्टेटस को, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने में उसके अंदर हिचकिचाहट नहीं है। उसे उसे ये पता है कि हम सबके लिए काफ़ी है, इसलिए उसे कुछ भी जेलस होने की या उसे अपनी सक्सेस को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी एनर्जी चाहते हैं ना, तो अगस्त के महीने में आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए। सेजिटेरियस, इन तीनों कार्ड्स
कार्ड्स में पीला रंग बहुत है। अगेन मुझे सन कार्ड, पीले रंग से मुझे सन कार्ड की बहुत याद आती है। सन उजाले की, नई ऊर्जा की बात करता है, राइट? नया महीना है तो नई ऊर्जा आपके लिए है। मेरे ख्याल से ऐसी सेम एनर्जी टॉरस की रीडिंग में भी मुझे मिलने को, देखने को मिली थी। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये नई ऊर्जा की जो आप लोगों के लिए डेफिनेटली नई ऊर्जा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये जनरल रीडिंग है, मैं इसलिए मैं ऐसे नहीं कह सकती कि ओ आप प्यार, मैं प्यार के बारे में नहीं बात कर सकती या सिर्फ पैसे के बारे में। ये आपको पता है आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़े से एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे। टाइम टू गिव रादर देन टेक। नाइस। देखिए ये जो इसमें जो लड़की है ना, वो देखिए वो कितनी, उसने आंखें मूंद करना, वो अपने ध्यान में है। अगर आप ये एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अ टाइम टू गिव, इस एनर्जी को सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट में, आपके आसपास का जो ऑरा है ना, उसे ऐसी एनर्जी पहले बनना पड़ेगा, तभी आप ये एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस एनर्जी को मास्टर कर सकते हो। देखिए ये कितने ध्यान में है, ये भी ध्यान का ही कार्ड है ना? तो और ये मैं सच में कह रही हूँ, आप ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा महीना ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस एनर्जी को। हर शख्स की अपना एक मैनिफेस्ट करने की एक अपनी पावर होती है, इसलिए ये आपको पता है। ऐसे सवालों के जो जवाब है वो आपको बेहतर पता होगा, ठीक है? तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी को, लेकिन आपको पहले इस एनर्जी को अपने ऑरा में इंक्लूड करना पड़ेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, हैप्पी हैप्पी टाइम, हैप्पीनेस, डेफिनेटली हैप्पी टाइम इज कमिंग फॉर यू। विजयी भव, मुझे ऐसे शब्द सुन रहे हैं। एक नई यात्रा आपके लिए शुरू हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और उसकी वजह से आप बहुत खुश महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे। आपके जो इमोशनल साइड है ना, वो काफी उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उसमें एक नई अच्छी ऊर्जा आएगी आपके इमोशनल साइड में, उसमें हीलिंग आएगी और आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। लेट्स सी आपके चार्म्स। वी हैव स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से मुझे हमेशा ना स्मूदी की याद आती है, क्योंकि मैं अपनी स्मूदी में स्ट्रॉबेरीज का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तो स्मूदीज जो है ना, वो डिटॉक्स में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर आप कुछ दिनों से अच्छा नहीं खा रहे हैं, अच्छा हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, तो आप स्मूदी को अपने अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स भी जो है ना, वो मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। वी हैव क्लियर, क्लियर योर एनर्जी, क्लियर योर ऑरा। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लो एनर्जी है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में, एकदम से नहीं हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ यू, मेरे मुझे यही लगता है कि आप में से जो ज़्यादातर लोग हैं, उनके लिए थोड़ा स्लो रहेगा
इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, लेकिन आप उसके लिए अपना 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 धैर्य बनाए रखिए, अपना विश्वास मत तोड़िए, ठीक है। वी हैव फ्री, फ्रीडम, नाइन ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, मैजिक डॉल, अगेन पीला रंग बहुत है आपकी रीडिंग में, और वो कह रही है चेंज, चेंज इज कमिंग। हमारे पास है नंबर 5 एंड 1, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओ, हमारे पास एक और मैजिक डॉल है और वो कह रही है रिसीव, लुक, रिसीव, चेंज, रिसीव, चेंज योर ऑरा एंड देन रिसीव दिस अबंडेंस, रिसीव दिस प्रॉस्पेरिटी, दिस हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, चेंज, बेटर लाइफ। This is beautiful. हमारे पास है कि lips charm. ये charm ना मुझे हमेशा gossip के बारे में संकेत देता है, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको gossip में involve करना चाहते हो in the month of August, लेकिन आपके लिए ये हिदायत है, ये सलाह है मेरी कि आप इस gossip से दूर रहें। और मेरे ख्याल से ना आप में से कुछ लोगों को 1616 एंजल नंबर भी बहुत नज़र आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ना, तो ये जो मैनिफेस्ट वाला मैसेज है, ये तो उसमें तो आप बहुत क्लोज हैं अपनी अपनी जो भी डिज़ायर है ना उसे मैनिफेस्ट करने में। हमारे पास है लेटर डी, स्टार, हीलिंग, बेटर इन्वायरमेंट। स्टार जो कार्ड होता है ना टैरो में, उसमें बहुत ही हीलिंग होती है उस कार्ड में, तो ये चार्म उसी की याद दिला रहा है मुझे। ओ, वी हैव एंजल्स हियर, सो एंजल्स वॉचिंग ओवर यू। मशरूम, हेल्दी फूड, वेजिटेबल्स, क्लीन फूड। वी हैव बेबी आवल, विजडम, नॉलेज, जो कि आप में नेचुरली ये गुण होता है, लेकिन इन द मंथ ऑफ अगस्त आप इसे इस एस्पेक्ट को और निखार सकते हैं। किताबें इसमें आपका बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं आप। वी हैव दीज ग्लव्स, ओवन ग्लव्स। ये जो चार्म है ना काफी इंटरेस्टिंग, ओके, ये जो चार्म है ना ये मुझे संकेत देता है कि थोड़ा सा खतरा है आपके लिए। ये मैसेज सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये कोई बड़ा खतरा नहीं है, एक छोटा सा जैसे कोई खतरा हो सकता है आपको, और उससे आपको बचने की जरूरत है। जैसे ग्लव्स होते हैं, ये हमें अवन में से जो हॉट चीज होती है उससे बचाने में हमारी मदद करते हैं, राइट, ताकि हम अपनी स्किन को ना जला लें। वैसा ही संकेत है ये कि कुछ है ऐसा, कुछ हो सकता है जिससे आपको बचने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये हीटेड आर्गुमेंट भी हो सकता है, किसी के साथ आप आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो उससे परहेज रखिए। हमारे पास है बैग, अगेन इससे मुझे मनी बैग की याद आ रही है, इस पेंटिकल्स की, तो मनी रिसीव कर सकते हैं आप। हमारे पास है माइक, अनाउंसमेंट, इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग ना अभी तक सिंगल थे, क्योंकि ये सिंगल का कार्ड भी होता है नाइन ऑफ पेंटिकल, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग आप में से कुछ लोग ना मैरिज, अपना मैरिज अनाउंसमेंट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, अपनी फैमिली को बता सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं आप, या कुछ नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं इसलिए उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया पर। हमारे पास है ये हैंड, लव, अगेन लव एनर्जी है, ट्रैवल, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो। ओ नाइस, वी हैव पाइसिस साइन हियर, तो आपका
कनेक्शन हो सकता है पाइसी साइन के साथ। अगस्त के महीने में आप में से कुछ लोग पाइसी साइन के साथ मैरिज आपकी हो सकती है, आप बिजनेस पार्टनरशिप में जो आपका पार्टनर हो सकते हैं वो पाइसिस हो सकता है। हमारे पास है लेटर जे एंड जी, बुक भी है हमारे पास। मैंने जैसे आपसे कहा कि अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। और है हमारे पास एट ऑफ वॉन्स, इंटरेस्टिंग। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन स्लो होगी, कुछ लोगों के लिए फास्ट होगी। ट्रेवल भी है हमारे पास, और आपको ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस मिले अपने फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से इन द मंथ ऑफ अगस्त। हमारे पास है ये इमली का सीड, इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये किसी दूसरी रीडिंग में भी था, मुझे याद नहीं है कौन सी रीडिंग, लेकिन ये प्रेगनेंसी की बात करता है ये जो चार्म है। तो अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो देयर यू गो, आप अगस्त में उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। हमारे पास है एंजल्स, एंजल्स वॉचिंग ओवर यू। हमारे पास है लेटर आर, और वी हैव अ बेबी एलिफेंट। हाथी जो होते हैं ना, आपको अगर आप में से अगर कुछ लोगों को पता हो, तो ये जो हाथी होते हैं ना, ये अपने बच्चों को काफी ग्रुप में प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो चार्म है ना, ये मुझे इसी का संकेत देता है कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वो ये आप हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। बस उसमें विश्वास रखिए, आपका कुछ भी कोई बुरा नहीं कर सकता। बस आप अपने अपनी पॉजिटिव माइंड सेट में रहिए और अच्छी बातें सीखिए और अच्छी बातों को अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। लास्टली वी हैव बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू लाइफ। कुछ लोग इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़ के, ठीक है। फिर मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।